everyone, welcome back to my channel. So guys, we've been doing this neural system of control and coordination and hum log kafi had tak ye chapter khatam kar chuke hain. As per the rationalized NCRT, we are only left with four mid and hind brain. पहले बेटा इसमें और भी चीज़ें थी, रिफ्लेक्स आर्क, यू नो, रिफ्लेक्स सिस्टम, पूरा सब हम डिटेल में स्टडी किया करते थे, बट नाउ इन योर रैशनलाइज्ड कंटेंट ऑल दोज थिंग्स हैव बीन ओमिटेड एंड दस वी आर लेफ्ट ओवर विद ओनली थ्री पार्ट्स, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. इस वीडियो में आई विल मेक यू कवर द फोर ब्रेन पार्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइनली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कवर कर देंगे. ठीक है जी, आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं. वैसे तो यार ब्रेन बहुत ही एक्सटेंसिव है, वी हैव अलॉट मेनी थिंग्स टू स्टडी इन ब्रेन, बट राइट नाउ आपकी एनसीईआरटी इतना कुछ नहीं दे रही है एंड ऑल्सो सम पार्ट हैज बीन ओमिटेड एज वेल. लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ाने की, क्योंकि आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाके ये सब बहुत डिटेल में ऑलरेडी स्टडी करेंगे. ठीक है, तो राइट नाउ विल ओनली फोकस ऑन द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट, ताकि आप लोग उसे क्रैक करके एटलीस्ट एमबीबीएस तक पहुंच पाए. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. ठीक है, तीन पार्ट्स हैं सेरिब्रम के. सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. तो अगर मैं आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है. लाइक दिस एंड दिस समराइजेस डाउनवर्ड्स. ये थोड़ा इस तरीके से आता है. ठीक है, अब होता क्या है कि हियर इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस विच सेपरेट्स दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम दिस लोअर पोर्शन. तो ये जो पूरा पोर्शन है ऊपर वाला, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस फॉर्म्स फोर ब्रेन. और बेसिकली अगर मैं लिखूं सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. कंसिडरिंग हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, यहीं पे स्मॉल एरिया में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस एंड बेस ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का बेस फॉर्म करता है हमारा थैलेमस. तो मेजर पोर्शन हमारा सेरिब्रम है, साइड पे छोटी सी आउटलाइन हमारी हाइपोथैलेमस की है एंड बॉर्डर जो बॉटम है सेरिब्रम का वो फॉर्म करता है हमारा थैलेमस. ठीक है, तो यही हमने पहले पोर्शन में पढ़ा. द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट क्या है? सेरिब्रम. नेक्स्ट, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडिनली इंटू टू हाफ्स. अब अगर इफ यू विजुअलाइज दिस सेरिब्रम ऑफ आर्स, देर इज अ डीप क्लेफ्ट विच इज डिवाइडिंग द ब्रेन लाइक दिस. मतलब अगर आप यहाँ से आधा पोर्शन निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लेफ्ट है. क्लेफ्ट मीन्स एक डिविजन है जो दोनों चीज़ों को डिवाइड कर रही है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली इंटू टू हाफ्स विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सो ये वाले हिस्से को हम बोल देंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, वेर एज दिस विल बी नोन एज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. द हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कलोसम. अब उस लॉन्गिट्यूडिनल फिजर में ही एक ट्रैक्ट रन कर रही है ऑफ फाइबर्स. मतलब आप देखोगे ना तो हमारा न्यूरल सिस्टम पूरा हॉलो काइंड ऑफ है, तो उसके बीच में से नर्व्स रन कर रही हैं. वो नर्व्स का जो पूरा ट्यूब है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है एक स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, वी कॉल इट एज कॉर्पस कैलोसम. द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है हमारा, सपोजिटली मैं इसे डिवाइड कर दूं, दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सो दिस इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. अब इन सब पे, ये सब किसके बने हुए? सेल्स के. तो जब इन पे सेल्स पुटअप हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. हेमिस्फेयर मतलब खाली जगह है ना, इट्स अ खाली स्फीयर, लेकिन उसके अंदर सेल्स हो रहे हैं तो वी कॉल इट एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. Yes, and it is thrown into prominent folds. You can see over here, folds थे. These are the folds. कि ये जो हमारा hemisphere है, इसमें specific folds हैं.
द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेश अपेरेंस. सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर बोलते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेश अपेरेंस. ओके सपोजिडली one neuron. Okay, I'll make another way. हमें पता है जो हमारा नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है, करेक्ट. तो ये मैं बना रही हूँ कुछ न्यूरॉन जो इस तरीके से एसोसिएटेड है. अब है क्या कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के इस ऊपर वाले हिस्से में, हियर, यहाँ पे पूरे में, वी हैव दीज सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन. मतलब न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि ऊपर वाले हिस्से में उनकी सेल बॉडीज आती हैं और इधर नीचे वाले हिस्से में उनके एक्सॉन्स आते हैं. और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स हैं वो मोस्टली माइलिनेटेड है. तो माइलिनेटेड होने की वजह से वो माइलिन शीथ दैट इज वाइट इन कलर गिव्स वाइटिश अपेरेंस. सो दैट इज वाई हम इस एरिया को बोलते हैं वाइट मैटर. वेयर एज जो ऊपर हमारा ये सेल बॉडीज का अपेयरेंस आता है ये ब्रेन को देता है ग्रेइश अपेयरेंस. तो इसीलिए हम उसे कहते हैं ग्रे मैटर. ठीक है, तो दो तरह के मैटर्स हैं ब्रेन में. The layer of cells which covers the cerebral hemisphere is called cortex, which thrown into fold. Cerebral cortex is referred to as the grey matter due to its greyish appearance. So, जो outer है वो कैसा दिखता है? Grey color का due to its greyish appearance. The neuron cell bodies are concentrated there, giving the color. Grey color cell bodies की वजह से आ रहा है. The cerebral cortex now. Now the next thing, उनका पेरेंट्स ग्रे समझ में आ गया लेकिन वहां हो क्या रहा है, what is the function? Basically the outer cerebral cortex contains several areas like motor areas, sensory areas and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. So we call them as association areas. ठीक है, तो मतलब तीन तरह के areas हैं हमारे cerebrum में. कौन कौन से areas हैं? सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज. सेंसरी एरियाज डील कर रहे हैं हमारे सेंसेस से, मोटर एरियाज हमारे मसल्स से, एंड एसोसिएशन एरिया आई विल टेल यू व्हाट दीज आर. ठीक है, लेट्स स्टडी. दीज रीजन्स कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन ना सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करा के चलने में बड़ा यूज आती है. तो राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम डूइंग हैंड जेस्टर्स, तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है. सो दोज आर दी इंटर सेंसरी एसोसिएशंस एज वेल एज मेमरी. जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे याद है, मैं इसलिए बोल पा रही हूँ. एंड देन कम्युनिकेशन, आई एम स्पीकिंग सो दैट्स माई कम्युनिकेशन. तो बेसिकली जो पूरा ओवरऑल अरिना है वो कौन हेल्प कर रहा है? दीज एसोसिएशन एरियाज. सेंसरी स्पेसिफिक सेंसेस के लिए लाइक सुनना, देखना, बोलना, ठीक है, दीज आर स्पेसिफिक सेंसरी. मोटर मीन्स आर मस्क्यूलर मूवमेंट्स. ठीक है, तो इन सब का जो सेंटर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. वेयर एज फाइबर्स ऑफ द ट्रैक जो नीचे आ रहे हैं हमारे एग्जॉन्स जो मिलकर नर्व फाइबर्स बनाएंगे वो सब माइलिन शीथ से कवर है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सेरिब्रल हेमिस्फेयर था, बाहर वाला हमने कॉर्टेक्स बोला, अंदर वाले को हम इनर पार्ट कह रहे हैं. They give an opaque white appearance to the layer और इसीलिए हम उसे white matter के नाम से जानते हैं. I have already explained you the same. The cerebrum wraps around a structure called as thalamus which is the major coordinating center for sensory and motor signaling. तो sensory और motor identify किया उन areas ने, लेकिन अब उनका signal कैसे आगे direct करना है उसमें हमारा major role कौन play करता है? Thalamus. और ये cerebrum पूरा घूम के किसके अराउंड सेटल होता है? थैलेमस. सो थैलेमस के अराउंड रैप हो रहा है ये पूरा का पूरा सेरिब्रम और उस सेंसरी और मोटर जो आए हैं हमारे पास सिग्नल्स उनकी फर्दर सिग्नलिंग में हेल्प करेगा. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. जो मैंने आपको दिखाया था लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, बिल्कुल कोने में प्रेजेंट है थैलेमस के.
द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स. अब हाइपोथैलेमस के अंदर भी काफी सेंटर्स है जो क्या क्या कंट्रोल करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर. हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है थ्रू आउट समर्स, थ्रू आउट विंटर्स. दैट इज ऑल ड्यू टू हाइपोथैलेमस. ओके, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें कितनी भूख लग रही है, कितनी प्यास लग रही है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हाइपोथैलेमस. इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. एक अलग तरह के सेल्स भी प्रेजेंट है जो सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स एंड आर कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, जो जाके पिट्यूटरी को स्टिम्यूलेट करेंगे और पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को सिक्रीट कराएंगे. सो हाइपोथैलेमस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर पार्ट इन द हॉर्मोनल कंट्रोल. ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, हंगर इश्यूज देखना और स्पेसिफिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज में मदद करते हैं. ठीक है जी, दिस इज अबाउट हाइपोथैलेमस. द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, जो अंदर के पार्ट्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, उनमें कुछ डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जैसे कि अमिग्डला, हिप्पोकैम्पस. नाउ व्हाट आर दीज एरियाज? अमिग्डला इज इन अनदर ये थोड़े से ग्रेश कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो उस वाइट मैटर में हमें दिखते हैं, दोनों अमिग्डला भी और हिप्पोकैम्पस भी. अमिग्डला मोस्टली एलमंड्स के जैसा दिखता है, वेयर एज हिप्पोकैम्पस थोड़ा थोड़ा सी हॉर्स के जैसा दिखाई देता है. ये एसोसिएटेड है हमारी मेमोरी से, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग में कन्वर्ट करना. जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो राइट नाउ इट्स शॉर्ट टर्म फॉर यू. ये लॉन्ग टर्म तब बनेगा जब आप उसे 6 महीने बाद भी याद रखेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया था. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें पहले की बात भी बहुत टाइम तक याद रहती है, तो वो हिप्पोकैम्पस एरिया उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. ठीक है, वेयर एज अमिग्डला, अमिग्डला के काफ़ी सारे अदर फंक्शंस हैं एंड इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन दी वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन. ठीक है, they together form a complex structure called the limbic lobe or limbic system. तो ये हमारे amygdala, hippocampus along with the hypothalamus, they together form the limbic system. नाम है, ठीक है. Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior also. ठीक है, so the body shows different type of sexual behavior in both men and women. So that is controlled by this area of hypothalamus. Expressions of emotional reactions, जो amygdala कर रहा था, amygdala का काम यही था emotions को control करना, कि हंसी कब आ रही है, रोना कब आ रहा है, anger कब आ रहा है, ये सब amygdala का काम है. तो ये सब एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सब मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अमिग्डला, हमारा हिप्पोकैम्पस, हमारा हाइपोथैलेमस एंड दे आर टुगेदर फॉर्मिंग द लिम्बिक सिस्टम एज वेल एज द मोटिवेशन. ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स ऑल अबाउट द फोर ब्रेन एंड यही हमने समराइज किया फोर ब्रेन को. We'll study more in detail about midbrain and hindbrain in the next lecture. Thank you so much.